सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों आज हम ICT के अंदर बात करने वाले हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की, ट्रोपोलॉजी की और प्रोटोकॉल की बात करने वाले हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार की। कंप्यूटर के अंदर हम कितने तरह के नेटवर्क करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। और इनमें से दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी जून 2019 में भी आए हैं और पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, इसे LAN भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके घर, कार्यालय, स्कूल या कंप्यूटर में किया जाता है। यानी कि जैसे नाम से ही हमें पता है चल रहा है कि लोकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क किया जाता है, जैसे कि हमारा एक घर हो गया, एक स्कूल हो गया, यानी कि एक कमरे के अंदर जो नेटवर्क किया जाता है उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये बहुत छोटा नेटवर्क होता है दोस्तों, और इसके बाद में जो नेटवर्क है वो थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, इसे इथरनेट कहते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही सरल और सहज नेटवर्क होता है। यानी कि ये जो नेटवर्क होता है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सिंपल नेटवर्क होता है और इसमें हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और आज के समय में एक लोकल एरिया नेटवर्क में 100 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। यानी कि इसके अंदर कंप्यूटर तो कितने भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो होंगे लोकल एरिया में, यानी कि एक घर में होंगे, एक दायरे के अंदर होंगे, ठीक है। ये इसके अंदर चीज़ ज़रूरी है ध्यान रखने वाली। और आगे है दोस्तों हमारे पास मैन यानी कि MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और कई बार दोस्तों इनकी पूरी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप फुल फॉर्म भी इनकी ध्यान में रखना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हमारा जो लोकल एरिया है उससे बढ़ के आगे ऊपर लेवल पर जब नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि दो छोटे लोकल एरिया को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यह कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता है, और इसके अंदर कई सारे राउटर, स्विच, हब के द्वारा हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों को जोड़ा जाता है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये कई किलोमीटर में फैला हुआ हो सकता है, जैसे कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइनें बिछी हुई हो सकती है, नेटवर्क किया जा सकता है उसके अंदर। जैसे कि इसने बताया है कि मैन के अंदर 200 Mbps की स्पीड के साथ जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और आगे दोस्तों हमारे पास वैन, अब ये वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब हम मैन से बढ़कर भी और ज़्यादा एरिया में नेटवर्क फैलाना चाहे तो उसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह बहुत बड़े भूभाग को नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में कम्युनिकेशन करें, जैसे दिल्ली से लेके हमें मुंबई में कम्युनिकेशन करना, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, तो बहुत ज़्यादा दूरी के लिए जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और अभी जो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारे जून 2019 के अंदर, वो ये आया था कि ये तीनों दे रखे थे और उनको हमें क्रम वाइज लगाना था कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो सबसे पहले आता है हमारा लैन आता है, फिर मैन आता है, फिर वैन आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों आगे हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम काफ़ी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ते हैं, उनमें कनेक्शन करते हैं, वो चाहे किसी भी तरह से हो सकता है, वायर से हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, सर्वर द्वारा, मेन फ्रेम द्वारा, किसी भी तरह से हो सकता है, तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो देखने में कैसा होता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी कहते हैं, यानी कि उसकी आकृति, उसका लेआउट किस तरह का है, उसकी संरचना किस तरह की है, उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। और अब देखिए, ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है मुख्य रूप से चार तरह की होती है, रिंग, बस और स्टार और मैस नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इन सभी के बारे में भी हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। अब ये देखिए, रिंग टोपोलॉजी होती है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर जो कंप्यूटर है वो गोल आकृति के अंदर जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। इसमें कई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होते। इसके अंदर जो एक मुख्य रूप से क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता है वो दूसरे कंप्यूटर को संचालित करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग यूनिट नहीं होती। इसमें कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता वही दूसरे कंप्यूटर को चलाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी होती है। और इसके अंदर हो सकता है कि जैसे ये कंप्यूटर हम मान लेते हैं, ये कंप्यूटर मेन होस्ट कंप्यूटर है, इसके द्वारा ये सभी के सभी चल रहे हो, तो वो क्या है कि इस तरह की जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है दोस्तों, सभी कंप्यूटरों को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक कतार के अंदर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि किसी एक कंप्यूटर में खराबी आने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों जो हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी एक कंप्यूटर में खराबी होने पर सभी तरह के कंप्यूटर वो खराब हो गए, तो इसे किस तरह की टोपोलॉजी का नाम दिया जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे दोस्तों, हमारे पास स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्टार, स्टार के आकार में कनेक्शन इसमें किया जाता है। इसमें देखिए, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में एक हब से ही सारे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे बाकी सभी कंप्यूटर कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हब में कोई खराबी आती है तो सारे नेटवर्क बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होते। ये देखिए, मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये हमारा होता है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी की तरह होता है, एक स्टार की तरह होता है। इसके अंदर एक मेन कंट्रोलर होता है, उससे सभी के सभी जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक मेन है हमारा, इससे सभी के सभी जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा मेन हब खराब हो जाए तो सभी के सभी खराब हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये खराब हो जाए तो सभी के सभी ये हमारे खराब हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि अगर एक इनमें से खराब हो जाए, जैसे मान के चलते ये खराब हो गया, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, ना ही इसको पड़ेगा। अगर ये खराब हो गया तो इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अलग जो कंप्यूटर है जो जुड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई खराब हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसके अंदर ऐसे होता है दोस्तों। आगे हमारे पास मैस नेटवर्क टोपोलॉजी। मैस नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जो सभी के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ आसानी से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैस नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रोटोकॉल एंड इट्स टाइप की। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होती है और उसके बाद हम इसके टाइप की बात करेंगे। देखिए, प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट की दुनिया में एक शब्द का बहुत ज़्यादा योगदान है। देखिए, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं या फिर कोई कनेक्शन करते हैं नेटवर्क द्वारा, तो उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमने किस कंप्यूटर से कनेक्ट किया है और उसका एड्रेस क्या है, तो जो कंप्यूटर की भाषा में इसे एक एड्रेस भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं हम प्रोटोकॉल के कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप की हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं TCP की। अब देखिए, TCP क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, क्योंकि
ये फुल फॉर्म कई बार आ चुके हैं पेपर के अंदर। टीसीपी का फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और इसको कई बार स्लैश आईपी के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कार्य की बात करें तो सेंडर से जब एक मैसेज रिसीव होता है तब टीसीपी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है। ये क्या करता है दोस्तों, जब भी कोई मैसेज अपने पास लेता तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है कंप्यूटर की भाषा में, और फिर उन पैकेट्स को फिर समझ के जिसे ये देना होता है, जिसके पास सेंड करना होता है, उसको ये सेंड कर देता है। हर पैकेट का एक यूनिक नंबर होता है जिसे रिसीवर कंप्यूटर पैकेट को सीरियल नंबर के मुताबिक रीअसेंबल करता है। यानी कि ये क्या करता है कि छोटे छोटे पैकेट बना के जिसे सेंड करना होता है उसे सेंड कर देता है, और वो रिसीवर होता है रिसीव करके उन पैकेट्स को दोबारा से फिर रीअसेंबल करता है और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं टीसीपी। और मुख्य रूप से दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे दोस्तों हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए आईपी, इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका हमें पता होना चाहिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो नाम है दोस्तों आपने काफ़ी बार सुना होगा, यह एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है। टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं। दोस्तों आईपी एड्रेस में हमें दो बातें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आईपी एड्रेस जो होता है एक तो 4 वर्जन का होता है जिसके अंदर 32 बिट का यूज़ किया जाता है, आईपी वर्जन 4, और दूसरा होता है दोस्तों आईपी वर्जन 6 होता है। अब देखिए आईपी वर्जन 4 के अंदर 32 बिट का यूज़ किया जाता है और आईपी वर्जन 6 के अंदर 128 बिट का यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। और जैसे छोटी छोटी बातें इसके अंदर जो मैंने पहले भी बता दी है कि जैसे कि बिट जो होते वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद में 4 बिट को मिला के एक निबल का यूज किया जाता है, तो ये अलग बात है। और अब ये क्या है दोस्तों, टीसीपी और आईपी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए टीसीपी क्या करता है, टीसीपी जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद जब वो सेंड करता है तो सेंड करते समय हर एक पैकेट का एक आईपी एड्रेस बन जाता है, और वो आईपी एड्रेस जब रिसीवर के पास पहुँचता है तो रिसीवर क्या करता है कि दोबारा उसको असेंबल करने की कोशिश करता है और मीनिंग समझने की कोशिश करता है, तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से है। और आगे दोस्तों हमारे पास इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल, अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है ऊपर वाले से, लगभग सेम ही कह सकते हैं। इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल एक तरह का एड्रेस है जिसके जरिए अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस हम करते रहते हैं, और आपने कई बार जैसे कि हम वेबसाइट वगैरह चलाते हैं तो इस तरह के जो एड्रेस है वो आपने बहुत बार देखे हुए होंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी कंप्यूटर का, हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी ने ये मैसेज भेजा तो कहाँ से भेजा है, तो उसे हम पकड़ सकते हैं। अगर कोई इलीगल काम करे तो भी उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी तरह की बातें दी हुई दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सिंपल दी हुई है, वो आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीओपी, ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हर चीज़ का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल रिसीव और सेंड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पीओपी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है दोस्तों, जो अलग अलग कंपनियां होती हैं वो अलग अलग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं ईमेल भेजने के लिए, और मुख्य रूप से ज़्यादातर जैसे याहू हो गया, जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ये सभी कंपनियाँ एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। ये प्रोटोकॉल मुख्य रूप से क्या करते हैं दोस्तों, जब भी कोई मेल आती है तो वो आइडेंटिफाई करती है कि इस ईमेल को कौन से फोल्डर के अंदर भेजना है। अलग अलग फोल्डर बने हुए होते हैं, जैसे स्पैम फोल्डर हो गया और मार्केटिंग फोल्डर हो गया, पर्सनल फोल्डर हो गया, यानी कि अलग अलग फोल्डर को आइडेंटिफाई करती है और उसके अंदर भेजने का काम करती है। आगे दोस्तों हमारे पास एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क या इंटरनेट में जब कभी भी एक फाइल भेजी जाती है तब इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। किसी भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं उसे। और आज
अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये देखिए दोस्तों इसका मुख्य रूप से कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो हमारे वेबसाइट वगैरह होते हैं उनमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो उसको हम HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और वही बात है कि इसका हमें सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार पूछी जा सकती है। और इसके अंदर जो HTTP के अंदर क्या होता है कि लैंग्वेज यूज की जाती है, HTML लैंग्वेज यूज की जाती है और भी कई छोटी छोटी बातें यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आगे दोस्तों हमारे पास इथरनेट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इथरनेट के अंदर इथरनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में किया जाता है। जब हम मैंने आपको बताया था कि लैन क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसे हम इथरनेट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन को डिजिटल पैकेज के रूप में भेजता है, जो कि कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, इथरनेट नेटवर्क का उपयोग करना अति आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो कंप्यूटर इथरनेट का प्रयोग कर रहा है उसके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि किसी कंप्यूटर के पास NIC कार्ड है और वो इथरनेट के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना कर रहा है किसी अगले कंप्यूटर के पास, तो उसके पास भी दोस्तों यही कार्ड होना बहुत ज़रूरी है NIC, तभी वो जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है वो उसे डीकोड कर सकता है और आसानी से उसे समझ सकता है। तो यहाँ से आप पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है ये। और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है टेलनेट। अब देखिए टेलनेट के अंदर क्या होता है, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल लैन में रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब देखिए टेलनेट जो इथरनेट था, इथरनेट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करने के लिए था केवल, लेकिन टेलनेट क्या है कि टेलनेट के अंदर हम अगले कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें लॉग इन कर सकते, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये थोड़ा इसके अंदर फर्क है। वेब में HTTP और FTP की मदद से किसी भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस करने की अनुमति देता है, यानी कि टेलनेट के द्वारा वही बात मैंने बताई कि अगले के जो कंप्यूटर है उसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें हम लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास ग्रोफर। ग्रोफर भी एक प्रोग्राम है या प्रोटोकॉल है, यह भी क्लाइंट नेटवर्क प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे दोस्तों हमारे पास ग्रोफर। अब देखिए ग्रोफर के अंदर क्या होता है, ग्रोफर भी एक तरह का प्रोग्राम है या फिर उसे हम सेट ऑफ रूल कह सकते हैं। ये इसका काम भी दोस्तों जो टेलनेट वगैरह था हमारा उसी के अनुसार होता है लगभग। ये भी क्या काम करता है कि जो दूसरे कंप्यूटर है उसकी फाइल को एक्सेस कर सकता है और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ सकता है, तो मुख्य रूप से इसका भी यही काम होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है, इसमें हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखिए हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स का मतलब ये होता है जब भी हम किसी शब्द के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे कोई वेबसाइट खुले या वेब पेज खुले तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक, यानी कि एक शब्द के साथ किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक होना तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक्स। लेकिन क्या होता है कि ग्रोफर के अंदर हाइपरलिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये हमें चीज़ ध्यान में देने की ज़रूरत है। और तो इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, तो हमें इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती है, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल नहीं है या फिर कौन सी प्रोटोकॉल है, चार ऑप्शन दे देंगे वो हमें बताना है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसमें से अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत लग रही, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें।